फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हाफियरली के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी टू का चैप्टर 5 है, नाम के विकारक तत्व, ये हम पढ़ेंगे। देखिए आप वो खोलिए अपनी, यहाँ नाम के विकारक तत्व लिखे हुए हैं कि जिन तत्वों के आधार पर नाम यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का रूपांतरण होता हो अथवा होने में कोई विकार आता हो, वे सब क्या कहलाते हैं, विकारक तत्व। ये तीन प्रकार के होते हैं, लिंग, वचन और कर्म। यहाँ इस चैप्टर 5 में लिंग के बारे में बताया गया है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग की परिभाषा क्या है। लिंग की परिभाषा यहाँ बताई गई है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध हो, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग। जैसे माता, तो माता क्या आती है, स्त्रीलिंग। पिता, पुल्लिंग। राजा, पुल्लिंग। रानी, स्त्रीलिंग। यहाँ पर लिंग के दो भेद बताए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और सबसे नंबर वन पर आता है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे नर, बेटा, बंदर, लड़का, ये सब शब्द क्या है, पुल्लिंग। एक सेकेंड नंबर पर आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुरुष का पुरुष पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, नारी, बेटी, बंदरिया, लड़की आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं, स्त्रीलिंग के। यहाँ पर इस चैप्टर 5 में आपको सिर्फ लिंग के बारे में बताया गया, अगले चैप्टरों में आपको कारक और वचन इनके बारे में बताया गया। यहाँ आपके चैप्टर में पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनाने का नियम दिए हुए हैं, जैसे आ प्रत्यय लगाकर, ई प्रत्यय लगाकर, इन प्रत्यय, इका, इया, जैसे बछड़ा। अब बछड़ा में इया प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बचिया, इया। फिर आनी प्रत्यय लगाकर, आइन प्रत्यय लगाकर, नी प्रत्यय, मती। और कुछ स्त्रीलिंग अपने पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे पिता, क्या हम पिता में कोई या कुछ वगैरह प्रत्यय लगा सकते हैं, नहीं, इससे भिन्न होगा, इसका क्या बनेगा, पिता का माता। तो यही यहाँ पर इस चैप्टर में आपके सिर्फ ओनली लिंग के बारे में बताया गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप इस चैप्टर को पढ़िए, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो बुकवर्क है, वो आपको PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।